कितनी अजीब बात है ना, हम आज अपने इमोशंस को लेकर इस हद तक नीडी बन गए हैं कि हमें अच्छा महसूस करने के लिए, खुद को खुश रखने के लिए हमें दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती है। चाहते हैं कि लोग बस हमारे आसपास रहे, हमारी केयर करे, हमें प्यार करे, हमें समझे, हमें वैल्यू करे। पर जब ऐसा नहीं होता तो हम हर्ट हो जाते हैं, कंप्लेन करते हैं और खुद ही को विक्टिम महसूस करते हैं, और बिना समझे खुद ही से ये सवाल करते हैं कि क्यों मेरी लाइफ ऐसी है, क्यों लोग मेरे साथ ही बुरा करते हैं, क्या मैं इतनी बुरी हूँ। और तो और कितनी दफा तो ऐसा भी होता है कि लोग हमें हर्ट करते हैं, डिसअपॉइंट करते हैं, हमारा दिल दुखाते हैं और ऐसा फील कराते हैं जैसे हम उनके किसी लायक ही नहीं। और इस चक्कर में हम अपना मेंटल पीस और कॉन्फिडेंस दोनों ही खो देते हैं, क्योंकि इन सब के पीछे की जो वजह है वो है हमारा खालीपन और हमारा खुद ही से ना खुश रहना। पर हमें ये समझना होगा कि हमें कंप्लीट या खुश होने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है, हम खुद ही में पूरे हैं और खुद अपनी खुशियों की वजह भी। तो ये जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है कि हम दूसरों के एक्शंस, उनके बिहेवियर को अपने ऊपर हावी ना होने दें और अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने पास रखें, क्योंकि जब हम अपनी खुशी की वजह बाहर तलाशेंगे तब हमें दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए अपनी खुशी को किसी का मोहताज मत बनने दो, क्योंकि तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं।